एंटीलिया केस में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए के अधिकारियों ने 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद 13 मार्च यानी शनिवार को रात 11:50 पर सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ठाणे की अदालत ने सचिन वाजे को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। एनआईए की ओर से वाजे के खिलाफ जालसाजी, विस्फोटक पदार्थों के साथ लापरवाही बरतने, नकली मोहर बनाना और आपराधिक धमकी देने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने कहा कि सचिन वाजे को केएसआरसी संख्या 01/2021 एनआईए मुंबई के तहत आईपीसी की धारा 286, 465, 473, 506(2), 120(b) और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 की धारा 4(a)(b)(i) के तहत गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एनआईए मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से कुछ दूरी पर विस्फोटकों से लदे एक स्कॉर्पियो वाहन मिलने के मामले की जांच कर रही है। ये घटना 25 फरवरी 2021 की दक्षिण मुंबई की है। अंबानी के घर से कुछ दूर एक स्कॉर्पियो कार बरामद हुई थी जिसके अंदर जिलेटिन की छड़ें रखी हुई थी। इस मामले की शुरुआती जांच करने वालों में सचिन वाजे शामिल थे। बाद में उन्हें इस केस से हटा दिया गया था और मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथों में ले ली थी। जांच के दौरान पता चला था कि स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हीरेन हैं और एंटीलिया घटना से पहले हीरेन ने स्कॉर्पियो चोरी की एफआईआर दर्ज करवाई थी। अचानक 5 मार्च को हीरेन मृत पाए गए। हीरेन की पत्नी ने आरोप लगाया था कि उनकी हत्या की गई है। सचिन वाजे के खिलाफ ठाणे के बिजनेसमैन मनसुख हीरेन की संदिग्ध मौत की जांच भी हो रही है। वाजे को एनआईए रविवार को अदालत में पेश कर सकती है। एनआईए ऑफिस जाने से पहले सचिन वाजे ने अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर एक रहस्यमय स्टेटस लगाया था जिसमें उन्होंने लिखा था, 3 मार्च 2004 सीआईडी के साथी अफसरों ने मुझे एक झूठे केस में गिरफ्तार किया। उस गिरफ्तारी की वजह आज तक स्पष्ट नहीं हुई। मुझे लग रहा है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। मेरे साथी अधिकारी मुझे फिर झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार थोड़ा अंतर है, तब मेरे पास शायद उम्मीद, धैर्य, जीवन और सर्विस के 17 साल थे। अब मेरे पास 17 सालों का जीवन, सर्विस और जीने का धैर्य नहीं बचा है। मुझे लगता है कि दुनिया को अलविदा कहने का वक्त नजदीक आ रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं सचिन वाजे। इस संदेश में वाजे ने 2004 के उस वाकये का जिक्र किया है जिसमें हिरासत में एक मौत की वजह से उन्हें सालों तक निलंबन झेलना पड़ा था। उसके बाद उन्हें पिछले साल ही नौकरी पर वापस बुलाया गया था। सचिन वाजे 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। 2002 के घाटकोपर बम विस्फोट मामले में ख्वाजा यूनिस को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। 2004 में यूनिस मामले में सचिन वाजे की कथित भूमिका की वजह से उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद साल 2008 में सचिन वाजे शिवसेना में शामिल हो गए थे। सचिन वाजे की तकनीकी पर अच्छी पकड़ थी, इसलिए साल 2010 में लाल बिहारी नाम की नेटवर्किंग साइट भी शुरू की थी। सचिन वाजे ने अपने करियर की शुरुआत पुणे से की थी। सचिन वाजे ने शीना बोरा हत्याकांड मामले और डेविड हेडली पर किताब भी लिखी थी।